छोटी काशी मंडी में बनी निकासी नालियां यहां की बाशिंदों के लिए मुसीबत बनी हुई हैं। नगर निगम के कर्मियों द्वारा नालियों की लंबे समय से सफाई नहीं की जा रही है, जिससे नालियों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। शहर के इंदिरा मार्केट, बस स्टैंड, जेल रोड की, स्कूल बाजार की निकासी नालियों में लंबे समय से गांध जमी हुई है और नगर निगम के कर्मी इसे उठाने की जहमत नहीं कर रहे हैं। इस दौरान उठ रही दुर्गंध से स्थानीय दुकानदारों को दुकानों में बैठना मुश्किल हो गया है। नमस्कार जी, हम इंदिरा मार्केट से पिछले कई महीने से हमारे यहाँ पर सफाई अभियान जो है व्यवस्था चरमरा गई है, क्योंकि कोई समय था इंदिरा मार्केट में दो तीन समय जो है झाड़ू पोछा लगाया जाता था, लेकिन आज यह समय आ गया है कि आज सफाई अभियान वाले कभी दोपहर को आते हैं, कभी शाम को आते हैं, लेकिन पिछले 15-20 दिनों से सफाई करने वाले कोई भी मार्केट में नहीं पहुंच रहे हैं। दुकानों में कूड़ा के ढेर लगे हुए हैं, तो हमारा अपना नगर निगम और प्रशासन से यही मांग करते हैं कि यह जो सफाई व्यवस्था है इसको जो है दुरुस्त किया जाए, और इसके साथ साथ हम अपने नगर निगम और प्रशासन से एक मांग करते हैं कि पिछले कई सालों से जो है हमारी जो नगर निगम थी, नगर परिषद थी, यहाँ जो हमारी नाली गंदी नाली थी, गंदी नालियों में बड़े जुमले दिए जाते थे कि इसका जो हम प्रावधान करेंगे, लेकिन आज तक इसका प्रावधान नहीं किया गया। गर्मियों में, सर्दियों में बहुत बुरा हाल होता है, गर्मियाँ शुरू हो गई है तो गर्मियों में इतनी दुर्गंध होती है कि दुकानदारों को बड़ी परेशानी होती है, तो हम चाहते हैं प्रशासन से कि इस के बारे में भी वो व्यवस्था करें। धन्यवाद जी। मैं अशोक शर्मा, प्रधान इंदिरा मार्केट व्यापार मंडल। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि इंदिरा मार्केट जो है ये सिर्फ मंडी की ही नहीं लेकिन प्रदेश में एक अलग पहचान रखती है। इस मार्केट को देखने के लिए आज मंडी से ही नहीं पूरे हिमाचल और पूरे देश के लोग देखने आते हैं। यहाँ पे 250 दुकानदारों का आजीविका जुड़ी हुई है, लेकिन आज इस कोरोना काल में जब इस महामारी में सारे व्यापार ठप पड़े हैं, उस टाइम पे इंदिरा मार्केट के दुकानदारों का सर्वाइवल जो है बहुत मुश्किल हो गया हुआ है। कारण उसका है कि यहाँ पे जो गंदगी पसरी है, यहाँ पे जो अव्यवस्थाएँ हैं, यहाँ पे जो नालियाँ हैं वो ब्लॉक पड़ी हैं, सफाई व्यवस्था प्रॉपर नहीं है, और जो बरसात का पानी आता है वो कॉरिडोर में घुस जाता है, दुकानों के पीछे गंदगी फैली हुई है। और हमने इन समस्याओं के बारे में जो है एक बार नहीं, कई बार नगर परिषद से इसकी चर्चा की है, कई बार हमने उपायुक्त से इस बारे में बात करी, हमने सरकार तक भी अपनी बात पहुँचाई है, लेकिन हमारी समस्याओं का हल आज तक नहीं हुआ। जो प्रोजेक्ट बने वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए, सिर्फ बातें ही हुई, बात कोई काम धरातल पे नहीं हुआ। मैं आज जब सरकार जो है कोरोना के चलते इतनी पाबंदियां लगाने जा रही है जिससे कोई आगे लॉकडाउन हो सकता है, जिसमें बंद की व्यवस्था चल रही है शनिवार एतवार की, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ अब नगर निगम बनने से ये हमारी जो है समस्याओं की ओर ध्यान देंगी, ताकि हमारे यहाँ पे दुकानदारों की ग्राहकी चली रहे और उनकी रोजी रोटी चली रहे। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से विप्लव सकलानी की रिपोर्ट।